नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. ये भाषण का टाइम नहीं. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर वन ओटीटी बिकॉज द शोमैन हिमसेल्फ, जिनको देख के आई थिंक इस रूम में बैठा हुआ हर शख्स बड़ा हुआ है, जिनकी फिल्मों से इंस्पायर होके, जिनके काम से, जिनके कॉन्टेंट से इंस्पायर होके कोई एक्टर बना है, कोई डायरेक्टर बना है, कोई अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर अमिताभ बच्चन बना है. बट ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस इंसान को हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जो हिंदी फिल्में देखता हो और जिसको सुभाष घई इस नाम ने छुआ ना हो. इन वन वे और अनदर ही हैज टच्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड ही इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. दे कॉल हिम द ग्रेटेस्ट शोमैन एवर इन बॉलीवुड एंड ही इज राइटली दैट. हमको बहुत खुशी है. वी आर वेरी वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड के वन ओटीटी इज एंटरिंग इन टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुभाष जी विच इज़ विस्लिंग वुड्स. एंड इसके जरिए विस्लिंग वुड्स की जो एलमनाई है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो फिल्में अब वन ओटीटी पे अवेलेबल होंगी. एंड दीज पीपल इंक्लूड सम बिग नेम्स इन बॉलीवुड टूडे. शशांक खेतान हो या आई मीन आई वोंट वॉन्ट टू गेट डिटेल्स राइट नाउ, बट ये सारे लोग आज, इनमें से कई नाम आज उम्दा फिल्म मेकर्स हैं, कई ऑन द वे टू बिकमिंग ग्रेट फिल्म मेकर्स, बट इनकी जो स्टूडेंट फिल्म्स हैं एंड सम अमेजिंग कंटेंट. वी आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली हम्बल्ड, ऑनर्ड एंड प्राउड टू बी एसोसिएटेड एंड वी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक सुभाष सर फॉर बिलीविंग इन अस, फॉर बिलीविंग इन वन ओटीटी एंड गिविंग अस द चांस टू शोकेस दीज वंडरफुल फिल्म्स ऑन वन ओटीटी. Obviously, sir will shed more light on that. We are also entering into a strategic partnership to produce original content for One OTT with Mukta Arts. And obviously, announcements around that will follow. So, sir ko milne ke zyada mauke milenge. But, parat ekda turtas, thank you so much. Tumhi sagali ikade aalat, bahut bahut shukriya aapka. Thank you to each and every one of you. And thank you once again, sir, for believing in us and for joining hands with One OTT. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Good afternoon, good evening, my friends. Evolution and revolutions have their own beginning. और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि एक नई दिशा और आगे बढ़ी है. आप सब जानते हैं, नीडलेस टू से, कि कितना चेंज आया है लास्ट 20 साल में, फिर 10 साल में, फिर 5 साल में, फिर 3 साल में. इतना बदलाव ज़बरदस्त हुआ है, तूफानी आया है. पहले सिनेमा था सिर्फ 95-99 तक, उसके बाद फिर क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ आप सबको पता है. और ये जब मुझे पता लगा कि हमारे स्वप्निल दोस्त हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, कि ये एक ऐसा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में एक यूनिक है. ये OTT मतलब एक और भाषाएँ अनेक. अब आप सोचिए कि जो भाषाएं हैं हमारी, वो पहले 14 है, फिर 28 है, फिर 32 है, लेकिन बोलियां जो हैं, बोलियां वो 5000 से ऊपर हैं. हमारे भारत में हर 50 किलोमीटर के बाद हमारे भारत में बोली चेंज हो जाती है. तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इनकी टीम को, चेतन जी को, नरेंद्र जी को, सपनू जी, अनिल को, सबको, कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ये प्रोजेक्ट से जो स्टार्ट किया है, एक नया ही इसका एवोल्यूशन अपने आप में है कि हर भाषा में से भाषा की भाषा की भाषा की भाषा, यानी हाइपर रीजनल भी में ये जो कंटेंट अच्छा रहा है उसका अनुवाद भी करेंगे, डबिंग करेंगे, और उसके बाद फिर एक नए कंटेंट को कितनी भाषा में ले जाएंगे. आप सोचिए, मैं जब फिल्म बनाता था तो फिल्म हिंदी में ही बनाते थे, हम को दूसरी ऑडियंस सोचते भी नहीं थे कि भाई ये बंगाल में जाएगी तो 10%, अब साउथ में जाएगी तो 15%, ऐसा हमको एक लिमिटेशन होती थी. लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो साउथ की फिल्में भी हमारी, बिकॉज ऑफ द 4 लैंग्वेजेस एंड सेम एनर्जीज, तो दे हैव शोन अस द रिजल्ट कि नाउ द टाइम हैज़ कम व्हेन वी शुड मेक फिल्म फॉर पैन इंडिया एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस. अभी इंडिया हैज़ बीन यूनाइटेड थ्रू द लैंग्वेजेस. कंटेंट तो मतलब तभी सभी को पसंद है, तभी तो चल रहा है. सो वी आर ऑल एपिकल पीपल, फाइनली वी आर द कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम द व्यास टू वाल्मीकि टू
तुलसीदास जी, इसीलिए मैंने फिल्म स्कूल खोला अपने जीवन के पार्ट टू में। पार्ट टू में तो आपके सामने फिल्में बनाता रहा मैं, कि अभी मैं फिल्म बनाता रहा हूँ, अब मैं फिल्म मेकर्स बनाना चाहता हूँ। तो और मुझे आज के दिन ये भी खुशी है कि वन ओटीटी ने जो आज संधि की है हमारे विस्लीवुड के साथ, उन सब बच्चों की फिल्में सिलेक्ट की हैं, उस सिलेक्ट करके वो इसको अब जनता तक पहुंचाएंगे इन वेरियस लैंग्वेजेस। सो इमेजिन कि हमारे बच्चे कितने खुश होंगे कि उनके काम को देखने वाले भी एक बहुसंख्यक हैं, और कहाँ कहाँ तो उनके उनको आज ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एक चैनल मिला उनको विस्लीवुड के द्वारा, विस्लीवुड एंड वन ओटीटी के जो एसोसिएशन के द्वारा। ये बहुत ही एक प्रोत्साहन वाली चीज़ है, और इसलिए मैं आज यहाँ आया भी इनका थैंक्स करने के लिए, वन ओटीटी का सबका, चेतन जी का सबका, कि कंटेंट क्रिएटर और चैनल जब मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कंटेंट की मिनिमम गारंटी तो हो गई। अगर इन्होंने सत्कार किया है विस्लिंगवुड के बच्चों का, तो विस्लिंगवुड के बच्चे भी इनका बहुत ध्यान रखेंगे। आने वाला कंटेंट भी, हमारे पास इतनी कहानियां हैं, इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि ये तो अपने जो फिल्में ली हैं जो उन्होंने कैंपस में बनाई हैं, लेकिन आने वाली फिल्में भी उनसे आप बनवाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक लिमिटेड बजट में भी वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बना सकते हैं। ये एसोसिएशन जो है अपने आप में एक नया रंग लाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी माय बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑल ऑफ यू, राइज एंड शाइन, कीप सोरिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.